नमस्ते दोस्तों आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में वीडियो होने वाला है रोमानिया टी टेन का मैच सी एल जे वर्सेज बी ए एन के बीच वैसे दो मैच होगा ना सेकंड वाला मैच जो हो होगा ना आई थिंक वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने वाला है क्यों होने वाला है हम लोग आएंगे उस पॉइंट में बट उससे पहले ना ये जो लास्ट डे था आपके लिए मैच जब रिकॉर्ड कर रहा था उस दिन और आप नेक्स्ट डे ये मैच खेला जाएगा जिसका मैच होगा सी एल जे वर्सेज बी एन बट ये जो मैच था ए सी सी बी वर्सेज बी यू जी के बीच यहाँ पे सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्टिंग से पहले कंग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा रंजीत भाई को ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है ऐसा मेरा मानना है कि वन लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड के बीच में रैंक टू आना और गाइस ये मेहनत का फल है गाइस ये मेहनत का फल है इनका एंड गाइस सुदेश भाई ने भी बहुत अच्छा रैंक जस्ट मिस किया था एंड इनका भी पॉइंट बहुत अच्छा था सात सौ चौहत्तर पॉइंट था बहुत अच्छा रैंक होता वो भी एंड ये जो थे रंजीत भाई ये भी बहुत ज़्यादा जी खेलते ठीक है तो आई होप आप वीडियो अंत तक देखोगे तो आप भी एक बेटर रैंक क्रिएट कर पाओगे बट नो डाउट इनका जो क्रेडिट है उतना एफर्ट जो इन्होंने लगाया आपको भी थोड़ा लगाना पड़ेगा ध्यान से ये वीडियो देखना वीडियो में बेसिकली हम लोग सिर्फ इनका करेंट मैच जो दो दो मैच हो चुका है ना खेल के आ रहे वो तो डिस्कस करेंगे साथ ही साथ इनके मैं पास्ट के रिकॉर्ड भी डिस्कस करूंगा ठीक है स्पेशली एक टीम सी एल जे जो है ना मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ये टीम बहुत अच्छा है इन्होंने दोनों मैच अपना विन किया था क्या था या क्या है बोल सकते हो आप किसके अगेंस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग टीम जो लग रहा था इतना टाइम में आ, जो आर सतीशन वाला टीम था उनके अगेंस्ट इनका जो कन्फिडेंट लेवल होगा ना और ये कन्फिडेंट होके खेलेंगे इस मैच में बहुत हाई और दूसरे जो अपोनेंट होंगे ये जो टीम है कहाँ गया यार बी ए एन अब देखो सबको लग रहा है बी ए एन बहुत ही वीक टीम है बट नहीं है गाइस इनके दो तीन क्लियर कट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर थे ना वो फर्स्ट मैच खेले नहीं एक प्लेयर है जिन्होंने खेला था बट रिटायर्ड एब्सेंट हो गया था कुछ तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये भी टीम बहुत खराब नहीं है बट हाँ सी एल जे थोड़े बेटर है हम लोग आएंगे सब कुछ डिस्कस करेंगे डेप्थ में एनालिसिस मिलेगा मेक श्योर करना पूरा वीडियो हम तक देखो पसंद आएगा नो डाउट पसंद आएगा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना अगर ना आए तभी भी लाइक कर देना और बहुत खराब लगा तो यार कॉमेंट करके बताओ क्यों खराब लगा ताकि फ्यूचर में हम लोग इससे बेटर कुछ कर पाए ठीक है चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन वाला बिल दबा लेना ऐसा ऑफिशियली बताया गया है कि सत्रह से झरखंड में टी होगा हाँ झारखंड टी ट्वेंटी फिर आर टी ट्वेंटी खेला जाएगा टी एन पी एल तमिलनाडु प्रीमियर लीग्स होंगे और बाकी डोमेस्टिक इंटरनेशनल तो चलते रहते हैं तो कवरेजेस आएंगे उसके भी तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे कि अभी वाला वीडियो एंड लास्ट वाला वीडियो हुआ था जिस जिसपे बहुत अच्छा रैंक आया अपने मेम्बर्स के वैसे नोटिफिकेशन मिले ताकि आप वीडियो देख पाओ मैं तो एनालिसिस सेक्शन में अपलाइक करके स्टार्ट करो मोटिवेशन बना रहेगा वेन्यू होगा मुआरा व्लासी क्रिकेट ग्राउंड फाइनली मैंने एवरेज स्कोर इंक्रीज कर दिया 120 के आसपास बनना चाहिए स्पेशली गाइस ये बंदा जो है ना सी अगर बैटिंग फर्स्ट करता है तो बनना चाहिए इनके पास तरनजीत बोल के एक प्लेयर है यार बहुत अच्छा है आर सतीशन जो है ना सब कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे थे उनको कैप्टन बना रहे थे बट मैंने तभी भी बोला था यार ये जो बंदा है ना सी का तरनजीत ये बड़ा रन कर सकता है ये चल गया तो एक से ऊपर हो सकता है एंड गाइस ये जो ग्राउंड है बहुत ही ज़्यादा छोटा है आउटफील्ड तेज है अच्छा खासा बैटिंग कंडीशन बना है साढ़े इंडियन टाइम स्टार्ट होगा पी होगा नहीं मुझे माफ करना मैं थोड़ा मिस्टेक लिख दिया एएम होगा ठीक है क्लाउडी वेदर रहेगा ये ना रिसेंट डेसेस में मैंने देखा थोड़ा सा क्लाउडी है बहुत ज्यादा मतलब सनशाइन नहीं है रोमानिया में बट स्टिल बहुत अच्छा क्रिकेटिंग कंडीशन एंड अच्छा बैटिंग कंडीशन है टेलीग्राम लिंक एंड एंड हाँ क्या होगा ना सारे ग्यारह से मैच स्टार्ट होगा तो आपको मैंने फाइनल अपडेट वगैरह कुछ दे दूंगा प्लेइंग एलेवन कुछ चेंजेस होते हैं न्यू प्लेयर्स आते हैं क्या कुछ कम्बिनेशन वो मिलेगा आपको टेलीग्राम पर ठीक है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्लू कलर का होगा लिंक से प्रेस करके आप ज्वाइन होना टेलीग्राम पर अगर न्यू हो तो ज्वाइन होना पुराने बंदे तो है ही टेलीग्राम पर अगर लिंक काम नहीं किया नाइनटी चांस है काम करने का स्टिल अगर काम नहीं किया तो टेलीग्राम पर जाना है अदरिट टीम आई सर्च करना आप तो नहीं चौदह हजार से ज़्यादा ऑलरेडी ज्वाइन मेम्बर्स मिलेंगे हैप्पी मेबर्स मिलेंगे फ्रेंड्स दुनिया के यहां पे ज्वाइन हो जाना यहां पे आपको जैसे न्यू प्लेयर ऐड होते तो उसके 11। बाकी कुछ मेरा अगर वो भी कंबिनेशन आपको मिलेगा तो ज्वाइन हो जाना आप आफ्टर टॉस अपडेट के लिए सेल ये दो मैच खेला है दो मैच से कुछ प्लेयर्स जिनको आपको मतलब आग बनकर ले लो वाले पिक है उनमें से एक है तरनजीत सिंह आग बनकर ले लेना दोनों मैच में बैटिंग से टिकिंग खेला था रन दस बनाया बट यहाँ पे भी इनका अटैकिंग पार्ट था और चालीस में तो बहुत ही पीटा दो विकेट है एक विकेट है नडी गोटला ने एक मैच में अच्छा खेला पंद्रह खेला और राजा एक अच्छे की डिफेंशियर पिक हो सकते हैं आपके लिए इस मैच में वी साइनी अब इनको तो ड्रॉप मत ही करना मेरा मानना है दो दो ओवर डालेंगे एंड अटैकिंग खेलेंगे देखो ऊपर में अगर विकेट गिरा ना एक आधा जल्दी तो वीर साइनी आपको देखना आप किसी मैच में शायद ऐसा मुझे लगता है कि चालीस पैंतीस चालीस के बीच बनाएंगे किसी मैच में देख लेना ये मैं बता के रख रहा हूँ ये बहुत अटैकिंग खेलते हैं आ रहा था रथापट्टू इनका दोनों मैच में जो इंपॉर्टेंट बार थे। दोनों मैच में दो दो ओवर कंप्लीट कराया इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन टीम मानता है ये बॉलर अच्छा है फर्स्ट मैच से सेकेंड मैच में बैक किया फिर से पिटाई हुआ था हल्का सा दो ओवर में केवल सत्रह रन दे दो विकेट बैटिंग से पिटाई मस्त पिक हो जाते बट इनका जो बैटिंग पोजिशन है ना थोड़ा नीचे है ऐसा मेरा मानना है कि टी में अगर कोई बैट्समैन थ्री डाउन खेल रहा है तो आप उसको एज अ बैट्समैन आप मत सोच लेना कि वो आपको इतना पॉइंट देंगे कि वो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन होगा खास करके ये जो पिच है ये जो ग्राउंड है बहुत ज़्यादा रन बन रहा है पिच में बहुत ज़्यादा रन रन बन रहा है तो यहाँ पे ना तीसरा और चौथा नंबर के बैट्समैन से आप विद बॉल बैट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना बट ये ऑलराउंडर है तो विथ बॉल एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो अच्छा खासा रख सकते हो पी डी एल ओवर मैं नहीं लूँगा डेढ़वे ने दोनों मैच में दो दो ओवर कराया इस टीम के लिए वन ऑफ द मेन बॉलर सोहेल शेख दोनों मैच में कुछ किया नहीं अरुण ने कुछ नहीं किया अरुण कैप्टनसी भी कर रहा है इवन मिश्रा जी ने दोनों मैच में दो दो ओवर किया एक मैच में ये ना पावर प्ले में बॉलिंग कराता है और दोनों ओवर ऑलमोस्ट पावर प्ले में फिनिश कराता है हाँ पॉइंट याद रखना एंड एक मैच में दो वरी की जीरो एस शही ने कुछ खास अब तक किया नहीं ठीक है अब बताऊँ बी ए एन के तरफ ठीक है मैं पास्ट के रिकॉर्ड में हल्का सा जाऊँगा उससे पहले ना अब हम लोग देख लेते हैं इन्होंने कैसा कुछ खेला है ठीक है मशाल यार मशाल के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था उसका था नहीं मैच स्टिल मैं भूल गलती से बता दिया मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा ये ये जो बारह रन किया था ना इन्होंने कुछ चार बॉल में बारह रन किया था ठीक है उनमें से दो छक्का था इनका एंड मैंने वो मैच देख रहा था तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ एक शॉर्ट फ्लिक मारा था निकोलस पुरन जैसा स्क्वायर लेग क्या बोलो आप फाइन लेग से ऊपर से ठीक है एक शॉट फ्लिक मारा था और एक शॉट जीरो मतलब क्या किया था फोर्टी थ्री हाँ एक शॉट डाउन द रन इस बारह रन का बता रहा हूँ ये फोर्टी थ्री रन वाला इनिंग्स मैंने नहीं देखा बारह रन यहाँ पे एक और छक्का था वो डाउन द ग्राउंड सीधा बॉलर के सर के ऊपर से मारा था बहुत अच्छा लगा था मुझे दोनों शॉट और बहुत ईजी खेला था प्लेयर के पास कैली है एक तो मैच में देखना ये बहुत बड़ा रन करेगा तो नेक्स्ट मैच में इन्होंने 43 बनाया है टेकिंग तो खेले थे टीम इनका खराब खेला था उस मैच में जिस मैच में इन्होंने 43 बनाया ना उस मैच में इनके लिए सेकंड हाइस्ट रन गेटर जो थे वो 10 रन था ठीक है तो सोचो बाकी में से ये कंपेयर करोगे तो बहुत बेटर है बॉलिंग भी करा रहा है आपके लिए पिक होता है कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो सोहेल मैंने लेने वाला ज़्यादा अच्छे मुझे लगे नहीं आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो नो डाउट बिकॉज टॉप ऑर्डर में खेल रहा है और ग्राउंड छोटा है तो बैट्समैन अगर टॉप ऑर्डर में खेल रहा है इस ग्राउंड पर रन कभी भी कर सकता है शक्ूर को मैं प्रेफर करूँगा ले लो आप एक मैच में जीरो बनाया बट एक मैच में फोर्टी ये इंटरनेशनल भी खेलते हैं इनके लिए रोमानिया के लिए तो अच्छे प्लेयर है परमिंदर मन दोनों मैच में दो दो ओवर कराया बैटिंग से ठीक ठाक कर रहा है और हिटर है गैस आप शॉट अगर ठीक से कनेक्ट हुआ तो छक्का भी मिलेगा तो आप ट्राई कर सकते हो तो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन अनेक मैं शायद ना ट्राई करूं बिकॉज एक ही मैच में बॉलिंग डाले एक मैच में नहीं डाले अदनान ने कुछ खास किया नहीं प्रसन्ना जी आ, ये ना बेसिकली आपको ना विद बॉल ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं इन्होंने एक मैच में जो ग्यारह रन वाला देख रहे हो ना एक ओवर ग्यारह पे जीरो इस मैच में इनको बॉलिंग मिला था जब ना ये लास्ट ओवर करने आया था दस वाला ओवर दस नंबर वाला ओवर उसमें ग्यारह रन और एक मैच में पिटाई तो हुआ था ट्राई कर सकते हो बट मेरा मानना है कि अगर बेटर चॉइजेस सबको मिले तो नहीं भी ट्राई कर सकते हो जेल में ट्राई करने से करना स्मॉली मैंने मतलब नहीं बंदा अकमल शायद मैं फिलहाल ना लूँ बट इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड अच्छा खासा है जे समान था दोनों मैच में तो पिटाई हुआ यार देखो दो ओवर में बत्तीस का पिटाई पाँच बॉल में पंद्रह का बैठे मतलब सोलह का इनका तो औसत मान के चलो पर ओवर में तो शायद हम लोग ना ट्राई करने से बेटर अब ये जो बंदा है ना वो आकर अब बस ही। अब आई डोंट नो ये एबसेंट क्यों हुआ था फर्स्ट मैच में खेला नहीं था सेकेंड मैच में टीम में थे बट बैटिंग करने नहीं आया मतलब शायद इनका वो ट्रैफिक में जैम में फंस गया होगा गाड़ी बट आप अगर खेलता है ना अगर खेलता है मतलब मजाक करके नहीं ऐसे अगर मजाक करके खेलेगा तो बात अलग अदरवाइज ना मस्ट भी होते हैं आपके लिए याद रखना मैं रेफ मैं नहीं लेने वाला पास्ट रिकॉर्ड पे आता हूँ अगर सी एल जे के तरफ आता हूँ इनको इनसे बोलने लायक होंगे जो रजा शेखरा है ये कभी भी बॉलिंग करा सकता है राइट राइटम ऑफ स्पिन कराता है अटैकिंग बैट्समैन है पाँच मैच में नब्बे रन है डोमेस्टिक में बाकी तरनजीत के बारे में मैं ज़्यादा बोल के टाइम वेस्ट नहीं करने वाला इंपॉर्टेंट प्लेयर जो होने वाले हैं यहाँ से गाइस गौरव मिश्रा आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर होंगे बहुत बहुत हाई फाई नहीं है बट ठीक ठाक है हम लोग ले लेंगे ठीक है टीम डोमिनेट करेगा बेटर लग रहा है तो इनके बॉलर्स हम लोग रखेंगे बाकी तो कुछ मैं यहाँ से नहीं बता रहा हूँ बट हाँ बी एन के तरफ से मैं बताना चाहूँगा इनसे कुछ प्लेयर्स हैं जो पैक कर सकते हैं उनको रख लेना अपनी टीम में उनमें से सबसे पहला नाम डालेंगे ओपनिंग करेंगे होता है। और टीम का जो बैलेंस है ना बहुत ज्यादा चेंज होगा अगर ये बंदा आ गया ना तो मशाल के साथ ओपनिंग कर सकता है और जबरदस्त हो जाएगा टीम मुझे लग रहा है बाकी इनका डोमेस्टिक में भी तीन मैच तीन इनिंग्स में चौवालीस रन तीन विकेट है मशाल का एक ही मैच डोमेस्टिक में एट्टी रन और तीन ओवर में एक विकेट था ठीक ठाक था, था इन्होंने दो मैच खेला और एक मैच में सिर्फ एक ओवर किया था बैटिंग इनका आया नहीं था ठीक है एंड बाकी परमिंदर मन ओवरऑल रिकॉर्ड ठीक ठाक है डोमेस्टिक में एवरेज है एंड अगर मैं बताऊँ वाकर आपके लिए ये मस्त जाते हैं अगर खेलते तो तीन मैच एक सीजन जो लास्ट सीजन था ए में तीन मैच तीन इनिंग्स में सात रन छः ओवर में दो विकेट एंड डोमेस्टिक में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस डब्लू शरीफ जो है ना ये जो शरीफ बंदा है लेग स्पिनर है बारह मैच में तेरह विकेट है ओवरऑल इनका डोमेस्टिक इस सीजन में तीन मैच तीन विकेट डोमेस्टिक इस सीजन में क्या सीरीज था आपको मालूम होगा ना हाँ वही सीरीज टी ट्वेंटी जो नेशनल टी uh, ट्वेंटी था क्या एन सी आर एन एफ आर कुछ भी होगा वो टी ट्वेंटी में ठीक है अब आता हूँ मैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस में तरनजीत डिफॉल्ट है ऐसा मेरा मानना है कि सबसे अच्छा चॉइस है अब देखिए जनता क्या करेगा जनता चाह सकता है राजा सेकरन के साथ राजरन वो भी अच्छे प्लेयर है नो डाउट ठीक है नहीं रात से का नहीं यार ये वाला आ, हाँ हो सकता है इनका नाम क्या है मैं नाम भूल जाता हूँ इनका माफ़ करना मोस्ट पेबली हाँ चलो आ, ये ऑलराउंडर वाला जो है ना आप ये आर अथापट्टू आर अथापट्टू के साथ जा सकता है मैंने आपको विकेट लिखा नहीं बट ये आपको बॉलिंग दो दो ओवर करा रहा है ठीक है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे टी टेन में इनका ज़्यादा बॉलिंग नहीं था लास्ट सीजन बट सीजन में बॉलिंग करा रहा है तो हम लोग अथापट्टू एक अच्छी चॉइस है बट जो इशू है आर अथापट्टू के साथ ये ग्राउंड जो है ना ये ग्राउंड बहुत ज़्यादा बैट्समैन फ्रेंडली है आथापट्टू खेलते हैं थ्री डाउन फोर डाउन उस कभी हो सकता है कि उनको ज़्यादा बैटिंग के चांसेस ना मिले एंड ओपोनेंट का बॉलिंग वीक है तो और भी चांसेस कम मिल सकता है तो मैं शायद उनको ना प्रीफर करूँ एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन मैं ऑब्वियसली कैप्टन तो डिफॉल्ट है तरनजीत वाइस कैप्टन वी साइनी मेरे हिसाब से थोड़े ज़्यादा सेफ चॉइस है बिकॉज ये आपको बॉलिंग तो कराते हुए दिखेगा दो ओवर जरूर दिखेगा पिटाई होने से भी दो ओवर डालेगा अगर टीम को नहीं लगता है कि ओपनेंट बहुत बच्चा है चलो इनसे नहीं कराता है तो अदरवाइज कराएंगे बट इनको छोड़ के आ, ये बैटिंग से भी पॉइंट दे सकता है टॉप ऑर्डर में मशाल जो है ना बंदा ये सॉलिड लगा मुझे विद बैट ओपनिंग भी कराएगा हो सकता है चल जाए और चलेगा ना बहुत बड़ा चलेगा दौड़ेगा गाइस बट इनको फेस करना पड़ेगा एक्सपीरियंस गौरव मिश्रा एंड अगर इजाज़ खेलता है तो इजाज़ को भी ट्राई करना ठीक है फिलहाल ये रहा मेरा अपडेट ये अपडेट है फाइनल अपडेट आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे मिलेगा टेलीग्राम टेली ज्वाइन हो जाना वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना अगर आप लोग तो चैनल में नहीं हो ना सब्सक्राइब जरूर से कर देना फिलहाल तिरनजीत जी को मैंने कैप्टन रखा अपसन्ना हमारे पास है अपसन्ने को रखने का मुझे ज़्यादा तो मन नहीं है इजाज़ खेलेगा ओब्वियसली इजाज को मैं रखना पसंद करूँगा फिलहाल प्रसन्ना है राजा से करा अच्छा चलो ले लेते वन डाउन खेलेंगे ओपनेंट वीक है ले लेते हैं इनके टॉप के थ्री ले लिया वासु शायद वन टू डाउन आ जाए अथापट्टू जी है यहाँ पे यहाँ पे है पी यहाँ पे है माशाल यहाँ पे है एन देवरे वाकर अब्बासी और गाइस ये जो बंदा है ना जे समानता है हमारे पास जे समानता तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं आ, बट जिनता का सिलेक्शन ना हाई है देखो अब क्यों हाई है इनका केवल अठारह पॉइंट है हाई है इसका क्लियर लॉजिक अगर आप ध्यान से देख दो ना इनसे ज़्यादा किसी ने पॉइंट यहाँ पे दिया नहीं सेकंड हाईएस्ट पॉइंट गिवर है यहाँ पे ठीक इन है इनका हाईएस्ट है देवरे का तो हाइस्ट सिलेक्शन है बट यहाँ से आप चाहो तो एस शही को एक आधा जेल में टाइगर ना ये ठीक ठाक बॉलिंग कराता है बट जिस दिन कराएगा ना वह निकालेगा ये बात भी याद रखना आप हमारे ठीक है बाकी आ, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं गैस एम अकमल आपको राइटम ऑप्शन करते हुए दिखेगा बट इस सीजन में इतना बिटाई हुआ कि टीम इनको बॉलिंग करा नहीं रहा है बाकी कुछ भी अपडेट आते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर इतला कर दूंगा टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना अगर आप लोग चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू गैस बाय